मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा समेत पार्टी के 5 पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की है। यह मामला 14 अप्रैल को सपा के आयोजित एक जनसभा का है, जिसमें सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस को धमकाते हुए कहा था कि अपनी औकात में रहो, लानत है तुम पर, बीजेपी एजेंट होने का काम मत करो। दरअसल मुरादाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा के कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका मुरादाबाद दौरा रद्द हो गया था। इस दौरान सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने मंच से आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस जगह जगह बैरिकेटिंग और बैरियर लगाकर सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जनसभा में पहुंचने से रोक रही है। इसके बाद मंच से तीखे तेवर दिखाने वाले इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब उसी पुलिस ने रुचि वीरा समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकलपुरा थाने में केस दर्ज कर दिया है, जिसमें सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू, सपा नेता बावर खान, सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव, मोहम्मद गनी शामिल हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल को सपा मुखिया अखिलेश यादव का जनपद में कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द हो गया। इस बीच सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस को धमकाते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसमें सपा प्रत्याशी के खिलाफ नोटिस जारी होने के साथ ही पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। 14 तारीख को मुगलपुरा थाने में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो कि मौसम खराब होने की वजह से अधूरा रह गया, वो नहीं आ पाए। वहाँ पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के द्वारा पुलिस को धमकाने वाली बातें कही गई, औकात में रहने एहतियात की बातें कही गई, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन था, और उसी के क्रम में उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। यहाँ से नोटिस भी जारी किया गया था, जो हमारे पास फुटेज आए थे उसमें स्पष्ट था कि उन्होंने पुलिस वालों को धमकी दी है, जो कि MCC का उल्लंघन था। सर, तो इसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? इसमें 5 लोगों के खिलाफ है, जिसमें रुचि वीरा के अतिरिक्त सपा के जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं।